देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। ऐसे में देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 534 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट की संख्या भी बढ़कर 2135 हो चुकी है। आज आपको बता दें कि देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है, ये बता देते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,004 हो चुकी है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,551 हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक कल 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक 3,43,021,803 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का सितम जारी है और इस बीच आसमान में कोहरा भी छाया हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे की धुंध के बीच सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आज यानी 5 जनवरी को दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई थी, जो बिल्कुल सही बैठी, और ऐसे में सुबह से ही दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR, गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की भी संभावना है। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर साहू समाज, युवा राठौर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगजीवन साहू ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। साथ ही प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया। लोग जो पहले जीते थे, हमारे साहू जी हैं, सिद्धवाल साहू जी 2002 में जीते थे और इस बार भी इलेक्ट्रियर मिलेगा, यही जीतेंगे। 2022 की क्या तैयारी है, क्या लगता है? नहीं, सब जीतेंगे हम, 300 के ऊपर हम जीत रहे हैं, अकेले। पार्टी कह रही है कि मुंगेरी लाल की सीट सबने दिख रहा है, बीजेपी वाले कहते हैं मुंगेरी लाल, नहीं बीजेपी वालों को एक और सीट नहीं निकल रही है, तो हम उसको क्या कहें, वो अपनी सीट पहले गिन के देख रहे हैं कितनी में निकल रही है। हमारी सीट जो भी हम टिकट देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी टिकट देंगे, वो सब हमारी जीतेंगे, अब जाना बुला जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस की नेत्री और उनके नाबालिग बेटे ने ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह को पीट दिया और हाथापाई कर दी। आपको बता दें कि गोलघर के कचहरी चौक पर एक घंटे तक पुलिसकर्मियों से दोनों की हाथापाई होती रही, लात घूंसे भी चलते रहे। साथ ही नेत्री और उसका बेटा लगातार पुलिस वालों से अभद्र भाषा में बात भी करता रहा। नेत्री के बेटे ने दरोगा का बिल्ला भी नोच लिया। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई और बाद में पहुंचे यातायात निरीक्षक ने महिला पुलिस कर्मियों के सहयोग से नेत्री और उसके बेटे को कैंट थाने लेकर पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की नेत्री अपने बेटे के साथ बाइक से जा रही थी और बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और सिग्नल भी उन्होंने तोड़ दिया था, जिसको देखते हुए दरोगा ने उन दोनों को रोका। इसके बाद नेत्री छोड़ने का दबाव उनको पर बनाने लगी और देखते ही देखते हाथापाई वहां पर शुरू हो गई। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, ये वीडियो किस तरह से बीच सड़क पर यह पूरा ड्रामा होता हुआ नजर आया। जो मारपीट की है, हम लोग तो उसके बारे में पूरा जानते नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, और मानसिक पीड़िता का साथ में लग रही है, लेकिन महिला होने के नाते हम लोग इसकी मदद की। अर्थात पुलिस के ऊपर हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने आप को प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं, हमारे महिला हुए हैं वो है ही नहीं। अब खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां एक अनोखा मामला देखने को मिला। जी हां, बीजेपी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं जिले की बीजेपी नेत्री गरीब का घर
कब्जा करने पर लगी हुई है और उसे बेघर करने में लगी हुई है। दरअसल दिव्यांग सुरेंद्र साहू ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सदर जिलाधिकारी से की है। दरअसल आपको बता दें कि साहू का आरोप है कि उसने गाटे की जमीन 40 साल पुरानी बॉडी वालों को दबंग के साथ मिलकर बीजेपी नेता ने ढा दिया। पीड़ित की गाटा संख्या 1177 स्थित ग्राम अहिमाने बाजार में है और बगल की गाटा संख्या 1076 के सुधीर कसुधन कमलेश और बीजेपी नेता पूजा कसुधान के खातेदार हैं और इसी खाते की आड़ में लेकर पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी की नेत्री इस गरीब की जमीन पर कब्जा कर रही है। जो गवरिया के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि उन्होंने बाउंड्री वगैरह बनाया था और कुछ लोग जा करके उसको तोड़ दिए और इनके साथ गाली गलौज किए हैं और इनका कहना यह है कि बाउंड्री इनकी बनने नहीं दे रहे हैं। तो प्रार्थना पत्र लिया है, मैं नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम मौके पर भेज रहा हूँ और इसके वहाँ पर देख करके जाँच करके इनकी समस्या का समाधान करें। मेरा जो है 40 साल पुराना जो है पैमाने में प्लाट है, उस प्लाट को जो है पूजा कसौधन भाजपा नेत्री हैं आए दिन कब्जा करना चाहती हैं। मैं सांसद जी के पास गया था अभी, तो वो बोली कि उनके पास गए क्या हो गया मेरा, वो आए दिन हमको बहुत परेशान करती तो मेरा पूरा तोड़ दी हैं, गेट वगैरह तोड़ दी हैं। बलिया में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मशाल जुलूस निकालकर शहर से डीएम कार्यालय तक ये प्रदर्शन किया गया। ऐसे में स्पेशल भत्ता, पे ग्रेड वेतन, ग्रेड पेट्रोल, धनराशि और अन्य कई मांगों को लेकर महासंघ का यह प्रदर्शन था। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्य सचिव से अनुमोदन होने के बाद शासन आदेश लागू नहीं होने से डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ में आक्रोश था और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बातों को गंभीरता से ले वरना आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी 6 सूत्री मांग है जिसको सरकार ने मुख्य सचिव स्तर से समिति गठन करके उसको अनुमोदन कर दिया है, लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ जिसको जारी कराने के लिए आज हम लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। प्रमुख मांग ये है कि जो हम लोग को 400 रुपया स्पेशल भत्ता जो मिला था सन 2016 में, तो कोविड टाइम में अन्य भत्तों की तरह उसको भी समाप्त कर दिया गया, उसको लागू किया जाए, गंभीरता से ले और शासनादेश जारी करे। यूपी के बलरामपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल की। आपको बता दें करीब 300 छात्रों ने छात्रावास को बंद कर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 36 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के मनाने के बाद भी छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। आपको बता दें कि विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले छात्रों की भूख हड़ताल 36 घंटे तक चली और हड़ताल पर रहे छात्रों का आरोप है कि उन्हें घटिया खाना दिया जाता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने नवोदय के प्रधानाचार्य गीता मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो प्रधानाचार्य गीता मिश्रा दबंगई दिखाते हुए उनके परिजनों से दुर्व्यवहार करती हैं। जब कोई विरोध करता है तो उसकी पिटाई भी की जाती है। गोरखपुर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार गोरखपुर जनपद के आबकारी विभाग के और कोतवाली पुलिस के संयुक्त रूप से कोतवाली थाना क्षेत्र के कई शराब की दुकानों पर पहुंचकर वहां पर बिक्री किए जाने वाली सभी शराबों के QR कोड को आबकारी विभाग द्वारा स्कैन किया गया और उसकी गुणवत्ता को जांचा और परखा भी गया। सभी दुकानों पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। साथ ही सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश भी दिया गया कि शराब बिक्री में कहीं भी किसी प्रकार का लालच में आकर कोई गड़बड़ी न की जाए वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद गोरखपुर में आबकारी और पुलिस और जो है राजस्व की टीम बनाई गई है और उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में दुकानों का निरीक्षण भी हो रहा है। तो हम लोग यहीं CO कोतवाली साहब के नेतृत्व में आज सुबह से कोतवाली थाना क्षेत्र की जो दुकानें हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, सारे स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि जो कौबे वगैरह हैं वो स्कैन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और इनको सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव के अंदर मद्देनज़र, क्योंकि शराब एक संवेदनशील वो होता है विषय होता है चुनावों में, तो किसी भी तरह के ये लोग किसी के लालच में आके कोई गलत काम ना करें।
वहीं बलिया में यातायात पुलिस कोहरे को लेकर सतर्क हो गई है। यातायात पुलिस रिफ्लेक्टर लगाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध MV एक्ट के तहत कार्रवाई भी पुलिस अब करेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजकरण नायक ने निर्देश जारी किए हैं।